सुप्रभात छात्रों, आज कक्षा चार में फोर्थ क्लास के लिए हिंदी की कक्षा में आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग पाठ 12 के अंतर्गत प्रतिज्ञा पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। प्रतिज्ञा मतलब एक रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन मतलब अपने आप में एक गंभीर निश्चय कर लेना, है ना, यानी वो कठिन परिस्थिति में भी वो ये जो प्रतिज्ञा है आपके बहुत काम आती है। तो यह एक कहानी के रूप में है। कहानी इस प्रकार है, एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए। यह पेज नंबर 79 है, आप अपनी अपने पुस्तक को सामने निकाल के रख लेंगे। यह पेज नंबर 79 प्रतिज्ञा पाठ है। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आए। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से पूर्ण था। बच्चों, साधु संत महात्मा ये जो भी होते हैं ना, जो सच्चे साधु और सच्चे महात्मा होते हैं, उनके उनमें बहुत ही सरलता होती है। वे बिल्कुल मतलब एकदम ओज से ओत प्रोत से भरपूर होते हैं। उनके चेहरे से चमक आती है और उनकी वाणी में ऐसा तेज होता है और कि लोग उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे ही ये महात्मा थे। इनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से पूर्ण था। उनकी वाणी में ऐसा तेज था, मतलब जो भी बोलते थे उसे गंभीर हो करके ध्यानपूर्वक एकाग्रता से लोग श्रवण करते थे और उसे अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते थे। तो एक दिन की बात है, महात्मा कहीं प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन मतलब सुंदर सीख होता है, अच्छी बातें लोगों को बता रहे थे। और तभी एक आदमी वहाँ दौड़ता हुआ आया, मैला कुचैला बड़ी हुई दाढ़ी, लाल लाल आँखें, यानी जो उसके वस्त्र थे वो मैले कुचैले थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, आँखें लाल लाल थीं और देखने से वह एक लुटेरा जान पड़ता था। ऐसा लगता था कि वो कहीं से लूटपाट कर रहा हो, लूटपाट करके आता हो। महात्मा के पैरों में माथा टिकाने लगा और महाराज बोलने लगा, महाराज मैंने बहुत अपराध किए हैं, कई लोगों को लूटा है, यहाँ तक कि हत्याएं भी की हैं, यानी उसने हत्याएं भी की, कई व्यक्तियों की हत्या कर दी लूटपाट करने के लिए, लेकिन अब मैं अपनी इस जिंदगी से उब चुका हूँ। देखिए, वो सरासर गलत काम कर रहा था और यह काम बहुत दिनों से चला आ रहा था। अब वह इस काम से उब गया था क्योंकि इस काम में तो कभी शांति नहीं मिलेगी और हमेशा मन बेचैन रहेगा। गलत जो भी काम होगा उसके लिए मन हमेशा चिंतित रहेगा, उसके जीवन में शांति कभी नहीं होगी, उल्लास कभी नहीं आएगा। तब वह अपनी मजबूरी बताने लगा और कहने लगा, मैं भी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, यानी मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, अपने घर वालों के साथ रहना चाहता हूँ। महाराज, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ, क्या कोई उपाय है? देखिए, जब व्यक्ति अपने आप से उलझ जाता है बहुत ज़्यादा, तो साधु संतों की शरण में जाता है और वे लोग उसका समाधान करते हैं और उसे अच्छा रास्ता दिखाते हैं, जिसे सन्मार्ग कहा जाता है, और उस मार्ग पर चलकर मनुष्य को शांति मिलती है और उसको और जो भी उसने कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, उससे उसका प्रायश्चित हो जाता है। तो महात्मा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, फिर शांत और गंभीर वाणी में बोले, बेटा तुम तो बहुत भले हो, बहुत भले इंसान लगते हो, तुम्हारे अंदर यह अवगुण कहाँ से आ गया? अवगुण मतलब होता है खराब गुण, बुरे गुण, यह कहाँ से आ गया? तुम लोगों को क्यों लूटते हो? तो महात्मा के स्नेहपूर्ण वचन को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, रोने लगा वह व्यक्ति, जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दी हो, उसकी सच्चाई बता दी, वह कुछ बोल ना सका। फिर महात्मा बोले, बेटा तुम प्रतिज्ञा करो, आज से तुम लूटपाट नहीं करोगे, न किसी को सताओगे।
न झूठ बोलोगे। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हें सन्मार्ग मिल जाएगा। बोलो, क्या तुम यह प्रतिज्ञा कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। यानी आज तक मैंने जो भी बुरे कार्य किए उन सबों को अब मैं भविष्य में कभी नहीं दोहराऊंगा, इनकी पुनरुक्ति नहीं होगी। यानी आज से ये सब काम बंद। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। एक बार फिर वही महात्मा कहीं पर प्रवचन कर रहे थे तो उस समय वही लुटेरा पुनः वहां आया। देखिए संजोग की बात, ये महात्मा कहीं दूसरी जगह प्रवचन दे रहे थे तो उस समय भी वही लुटेरा वहां पहुंच गया और पहुंच करके बोला, महात्मा के चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैंने लूटपाट न करने की प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था कि मैं अब कभी भी लोगों को लूटमार नहीं करूंगा, चोरी चमारी नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस प्रतिज्ञा को निभा नहीं पा रहा हूं। मतलब मैंने प्रण तो किया था लेकिन उस प्रण को, उस प्रतिज्ञा को, इसीलिए इस पाठ का नाम प्रतिज्ञा रखा गया है, यानी रिजोल्यूशन होता है, उस प्रतिज्ञा को मतलब दृढ़ संकल्प को मैं आज तक निभा नहीं पाया, यानी वो नहीं निभा पाया था, उसे अपने हृदय में नहीं उतार पाया था। तो लेकिन मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं निभा पा रहा हूँ, लोगों को लूटना मेरी आदत सी बन गई है, मैंने बहुत कोशिश की, आई एम ट्राइंग बट नॉट सक्सेस, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। इसलिए अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि क्या करूं, कृपा करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए जिससे मैं अपने में पुनः सुधार ला सकूं। देखिए वो व्यक्ति जो था वो आहत था, अपनी आदत से वो लाचार था और इस वो कोई भी प्रतिज्ञा को, दृढ़ संकल्प को अपने मन में नहीं उतार पा रहा था। उसके मन में यह विचार चल रहा था, विचारों की आंधी चल रही थी, इसीलिए इस पाठ का नाम प्रतिज्ञा रखा गया। प्रतिज्ञा मतलब होता है रेजोल्यूशन, अपने आप में एक दृढ़ निश्चय कर लेना। तब उसने कहा कि महाराज आप हमें कोई दूसरा उपाय बताइए जो सरल हो, आसान हो। फिर महात्मा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है मैं तुम्हें दूसरा उपाय भी बताता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे वचनों का पालन करना होगा। मतलब अब की बार मैं तुम्हें जो उपाय बता रहा हूँ इसका अवश्य जीवन में उतारना होगा। यह तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है, यह बहुत ही ईजी है, इट्स सो ईजी। अब देखिए महाराज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, फिर उसने पुनः प्रतिज्ञा की कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। लुटेरे ने कहा, महात्मा बोले, तुम जितना चाहो लूटपाट कर सकते हो, उनके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि हर दिन शाम को तुम्हें मेरे पास आना होगा और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। मतलब अब उस साधु ने, संत ने, उस महाराज ने अब उसको यह अलाउ कर दिया कि तुम जाओ, तुमको जो भी करना है, व्याभिचार करना है, लूटपाट करना है, करो, लेकिन शाम को आकर के तुम मेरे सामने रिपोर्टिंग करो उसका, और सबके सामने इस वातावरण में जो प्रवचन का वातावरण चल रहा है यहाँ तुम सबके सामने एक्सेप्ट करोगे और बताओगे कि तुम दिन भर में किस किस को लूटा और उसका पूरा ब्यौरा तुमको देना होगा, यही दूसरा उपाय है। तब बोलो, क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ हाँ महाराज, यह काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ। लुटेरे ने इस कंडीशन को, इस शर्त को स्वीकार कर ली कि अब वो जो भी मतलब क्रियाकलाप करेगा, जो भी मतलब दुष्कर्म करेगा, और वो उसकी रिपोर्टिंग आकर के करेगा। तो महात्मा फिर बोले कि अच्छी तरह से सोच लो, पुनर्विचार कर लो, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हाँ बच्चों देखो, हमें भी जो कहना चाहिए वही करना चाहिए और सच को जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात हमेशा याद कर लेना, जो वचन देना जीवन में उसको जरूर उसका पालन करना, चाहे उसके लिए जो भी मतलब जिस किसी भी दौर से गुजरनी पड़े, जिस किसी भी परिस्थिति से गुजरना हो, लेकिन जो वचन देना उसे जरूर पूरा करना।
महाभारत में भी एक दोहा है इसी से संबंधित, वचन दिया सोचा नहीं क्या होगा अंजाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। तो बच्चों देखिए, आप खूब सोच समझ करके विचार विमर्श करके नहीं समझ में आया, अपने गुरुजनों से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए, अपने इष्ट मित्रों से पूछिए, और तब सोच समझ के जो काम होगा वो सही होगा, और जो वचन देना उसका जरूर पालन करना। तो जब इसने कहा कि ठीक है, मुझे एक्सेप्ट है, मैं स्वीकार करूँगा, हाँ महाराज मैं प्रतिदिन आकर आपके पास अपनी गलती स्वीकार करूंगा, यह कहकर लुटेरा चला गया। अब बच्चों इस घटना के बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह लुटेरा महात्मा के पास कभी नहीं आया। एक दिन महात्मा के एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज वह लुटेरा फिर लौट कर नहीं आया। महात्मा बोले, अब वह कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब वह सुधर गया होगा, यानी उसमें पूर्णतया सुधार हो गया होगा। अपराध करना आसान है, लेकिन उसे सबके सामने स्वीकार करना बहुत कठिन है। देखो बच्चों, हमें ऐसा ही काम करना चाहिए जिसे हम सबके सामने डंके की चोट पर बता सकें कि हमने ये किया है, और इसके लिए सच का संबल बहुत बड़ा संबल है। सच का आधार बहुत बड़ा आधार है, इसे कोई काट नहीं सकता, यह अकाट्य है। महात्मा बोले कि अब वह नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कुछ समय बाद पता चला कि वह लुटेरा, उस लुटेरे ने सचमुच लूटपाट व्याभिचार छोड़ दिया, और अब वह एक अच्छे इंसान की तरह जीवन बिता रहा है। देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अच्छा इंसान बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, और सच्चा जीवन जीना चाहिए। बच्चों इस पाठ के कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे सादगी अर्थात सादा जीवन, मैला कुचैला अर्थात अत्यंत गंदा, व्यतीत मतलब बिताना, अवगुण अर्थात बुरे गुण, स्नेहपूर्ण अर्थात प्रेम से युक्त, उल्लंघन अर्थात पालन नहीं करना, कबूल अर्थात स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो देखिए, गलती सही हो जाती है, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करना सीखिए, है ना, और फिर आप उसका प्रायश्चित कीजिएगा। तो इसके लिए आपको गृह कार्य दिया गया है, शब्दार्थ लिखकर स्मरण करें। धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे।